हमारे लिए आज की तिलावत सैमुएल नबी की पहली किताब उसका 15वां बाब 16वीं से 23वीं आयत तक। तब सैमुएल ने शाऊल से कहा, बस कर, जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा मैं तुझे बताऊं। तो शाऊल ने कहा, बता। सैमुएल ने शाऊल से कहा, जब तू अपनी ही नज़र में हकीर था तो तू इसराइल के कबाइल का सरदार बनाया गया और खुदावन ने इसराइल पर बादशाह होने के लिए तुझे मसा किया और खुदावन ने तुझे एक राह में भेजा और तुझसे कहा, जा और गुनाहगार अमालिकियों को हलाक कर और उन्हें कत्ल कर यहाँ तक कि वह फना हो जाएं। बस तूने खुदावन की क्यों ना सुनी और तू लूट की तरफ मायल हुआ और तूने खुदा की नगाह में बदी की। तब शाऊल ने सैमुएल से कहा, मैंने तो खुदावंद की सुनी और उस राह में गया जिसमें मुझे खुदावंद ने भेजा और अमलीकियों के बादशाह अजज को ले आया हूँ और अमलीकियों को मैंने हलाक किया। मगर लोगों ने डूट में से बेड़ बकरियाँ और गाय बैल जिन्हें तलफ करना था यानी अच्छे अच्छे बचाए रखे ताकि जलजाल में खुदावन तेरे खुदा के सामने कुर्बानी करे। तो सैमुएल ने कहा, क्या खुदावन को कुर्बानियाँ और ज़बीहे इतने पसंद हैं जितनी खुदावन के कलाम की शनवाई? देख, अतात कुर्बानी से बेहतर है, शनवाई मेंढों की चर्बी से अफजल है, बगावत और जादूगिरी के गुनाह बराबर हैं और सरकशी बुतों की पूजा की मानिद है। अब चूँकि तूने कलाम खुदावंद को रद्द कर दिया है, खुदावंद ने भी तुझे बादशाहत से रद्द कर दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।